यहाँ पर आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट वन है ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा कंटेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें अभी आगे करने हैं, है ना। तो पहली बात तो ये कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको ये कितनी पसंद आती है उस हिसाब से लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा जो भी हम अब तक वीडियो डाल चुके हैं या डालने वाले होंगे आगे, वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका आप ये नंबर के थ्रू उस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट वन है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सिंपली बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन तक आप पहुँच जाएँ, आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो आसानी से आपको क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए तो चलते हैं। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास उन्हीं के अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे, है ना, और उन्हीं के हिसाब से हमें पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है ज़्यादातर, क्योंकि आप पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, है ना, और उसमें मतलब बिल्कुल बेस वाली या फिर कोई भी ऐसी चीज़ वो आप बुक से या फिर और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं जहाँ से आप एक जो इनिशियल बेस है उसको आप सीख सकते हो, है ना। मेन कोशिश हमारी ये है ज़्यादातर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें, क्योंकि भले ही आप कितना ही कॉन्सेप्ट सीख लें, है ना, ज़रूरी यह है कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे वो आपकी नज़र के सामने से निकल जाते हैं, वही फिर उसके जैसे या फिर वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि हाँ हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं या कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक। तो चलिए फिर चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि x इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा देन cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि cos हाइपरबोलिक x जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें हमारे पास जो है हमारे पास जो है जैसे कि x इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक। अब देखो x इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, ये फॉर्मूला है, है ना। अब देखो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर फॉर्मूलों में प्रॉब्लम है तो फिर उसमें पढ़ाने वाला कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद से ही करना पड़ेगा, फॉर्मूले आपको खुद से ही याद होने चाहिए, है ना। हालांकि हर क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा मैं उसको डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, पहले फॉर्मूला बताऊंगा उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो x इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, बशर्ते यहाँ पर जो log है वो उसका बेस e होना चाहिए। अगर बेस कुछ और हो, मान लो बेस हो गया 2, तो आपको फिर 2 की पावर x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा मिलेगा, है ना। तो ये बेस है, ठीक। चलिए अब हमें इसमें इन्होंने कहा कि cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू हमें बतानी है, तो cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ये क्या होता है, हमारा cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये भी आपका फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने अभी बताया, फॉर्मूले जितने ज़्यादा हो सके आप याद करें उतना अच्छा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, e टू द पावर x तो हमारे पास आ गया ये sec थीटा प्लस tan थीटा, अब e टू द पावर माइनस x क्या होगा, माइनस x हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक। अब देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 1 अपॉन 2
ठीक, यहाँ पर आ गया। अब देखो e टू द पावर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब प्लस e टू द पावर माइनस x की जगह हम लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन सेम यही चीज़, ठीक, sec थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर 1 अपॉन 2 ऐसे रहेगा, ठीक। अब ये जो 1 अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा है, इसको आप लिख सकते हो माइनस sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब कैसे लिख सकते हो, देखो जब हमारे पास इस तरह से कोई नंबर हो, मतलब जैसे हमारे पास ये है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। जैसे कि 1 अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है ना, तो आप इसके संयुग्मी का यानी कि कॉस थीटा प्लस टेन थीटा है जैसे यहाँ पर, तो आप क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह किसकी, sec थीटा माइनस टेन थीटा की, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक, sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब उससे क्या होगा, देखो ऊपर तो आ गया sec थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे आ जाएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक, किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ऊपर तो रहेगा आपका क्या, sec थीटा प्लस सॉरी माइनस टेन थीटा, और अपॉन में आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, 1 होता है, ठीक, क्या होता है, 1 होता है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसको जैसे हम यहाँ से अभी हटा देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इतने से ही स्टेप में कई सारे फॉर्मूले यूज़ हो गए। पहला फॉर्मूला क्या कि भाई एक्स इज इक्वल टू लॉग sec थीटा प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू sec थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। फिर इसी में ई टू द पावर माइनस एक्स को अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे, 1 अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। उसके बाद हमारे पास जो उन्होंने पूछा था कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक। अब उसके बाद जो हमने 1 अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा को सॉल्व किया, तो हमने इसके संयोग भी यानी कि कॉन्जुगेट की गुणा की, sec थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर और sec थीटा माइनस टेन थीटा नीचे, तो हमें मिला sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। अब देखो ये तो एज इट इज आ गया sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस में जो है प्लस, यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था क्या मिला था, sec थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में 1 कैसे आया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और ये कैसे बना था, क्योंकि इसके दोनों की संयोग में की गुणा हुई थी, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से sec थीटा, ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, तो टेन प्लस थीटा और माइनस थीटा से कैंसिल हो गया, प्लस का टेन थीटा था, यहाँ पर माइनस टेन थीटा था, तो क्या हो गया, वो कट गया, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 इंटू 2, यानी कि ये वाला sec थीटा और ये वाला sec थीटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2 sec थीटा sec थीटा, ठीक है ना, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका, sec थीटा, ठीक। तो इन्होंने जो हमसे पूछा था
कि कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। आगे बात समझ में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। इन्होंने हमें चार ऑप्शन दिए हैं, पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें इन्होंने दिया हुआ है साइन। फॉर्मूले जैसे कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है ना। देखो टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटा, 1 हफ्ता, सॉरी 1 दिन, 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन आपको वहाँ एग्ज़ाम में शुद्ध बैठने से अच्छा है कि आप जो हैं फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल दो लाइन का आंसर है ये। आपको साइन हाइपर जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर सिंपली खोलना है। तो क्या होता है वो, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस कॉस हाइपरबोलिक आई वाई। भाई हमारे लिए ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, आई वाई है ना। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, ए की जगह क्या है एक्स, और साइन बी साइन साइन बी, बी की जगह क्या है आई वाई। ठीक, सिंपल है। अब देखो हमें पता है कि अगर कोस हाइपरबोलिक आई वाई हो तो हम इसको लिख सकते हैं कोस वाई, सिंपल। ठीक, और अगर साइन साइन हाइपरबोलिक आई वाई हो तो हम इसको लिख सकते हैं आई साइन साइन वाई। ठीक, ये फॉर्मूले हैं। ठीक, एक फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर लगाया था, क्या था, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का, जो कि था साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, सॉरी कोस हाइपरबोलिक बी प्लस कोस ए, और साइन यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक आएगा एक्स और साइन आई वाई, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि कोस हाइपरबोलिक आई वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस वाई। तो यहाँ पर जो कोस हाइपरबोलिक आई वाई है इसको हम क्या लिख देंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स रहेगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा आपका कोस वाई, क्या हो जाएगा कोस वाई प्लस। अब देखो यहाँ पर तो कोस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज़ रहेगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन, और ये जो यहाँ पर हमारा आया है आई साइन वाई, उसका जो आई है हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि आई इस समय क्या हो गया मल्टीप्लाई में आ गया, तो हमने आई पहले ले लिया, आई कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन बार लास्ट में क्या रह गया आई साइन वाई। अब देखो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आई कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, सिंपली ये आपका क्या आया है आंसर आया है। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो कोस साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आई कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक, मेन चीज़ फॉर्मूले की है, फॉर्मूले जितना ज़्यादा आपको याद होगा उतना अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, जो कि कहता है कि द वैल्यू ऑफ लॉग साइन आई टू द पावर आई इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए तो एक हमारे पास होता है, हम इसको मान लेते हैं कि हम इसको मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन
लॉग आई की पावर आई, ठीक, ऐसे हमने इसको लिख लिया। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लो। अब देखो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास हो कि लॉग एक्स स्क्वायर इस तरह से हो तो उसको क्या लिख सकते हो, टू लॉग एक्स लिख सकते हो इस तरह से। यानी कि जो टू होता है, मतलब ये जो एक्स की पावर में होगा या फिर किसी भी नंबर की पावर में जो यहाँ पर होगी वो लॉग से पहले आ जाती है। कहाँ जाती है, यहाँ पर लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन। अब कुछ लोग सोचेंगे अगर यहाँ पर है तो साइन और लॉग तो मल्टीप्लिकेशन नहीं, साइन और लॉग मल्टीप्लिकेशन नहीं है, साइन का एंगल है लॉग आई टू द पावर आई, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो कि साइन थीटा है ये, ठीक है ना। लॉग आई की पावर आई क्या है, थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये एंगल होता है इसका। तो हम इसको आई, जो हमारा आई के ऊपर आई है, इसकी पावर हम केवल लॉग के आगे ले सकते हैं लेकिन साइन के आगे नहीं ले सकते। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इसको आप इस तरह से ब्रैकेटों में लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग आई पहले आ गया, लॉग आई यहाँ पर बन गया इस तरह से, ठीक। अब देखो हम जानते हैं कि आई क्या होता है। ये जो आई होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू आपकी हो जाती है 0 और साइन पाई बाई टू की वैल्यू हो जाती है 1, और आई की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला खुल जाता है, ठीक है ना। सब खेल जितना भी है फॉर्मूले का है, जितने ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद है उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। तो हम ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, एक तो आपका रहा आई पहले से ही, और इसमें ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा लॉग। इसको आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर ले लो, ठीक है ना। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये वाली आपके ब्रैकेट में आ रही है, ठीक। अब देखो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर ये कोस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू हो तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर आई। इसको थोड़ा और क्लियर लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं इसको थोड़ा और, क्योंकि लिखने में तो देखो प्रॉब्लम हो ही रही है थोड़ी सी। ई टू द पावर आई पाई बाय टू, ठीक है ना। ये क्या है, आई है। इसको दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि तो लिखा हुआ साफ होना चाहिए ताकि आप इसको बाद में जो है आई पाई बाय टू, ठीक है ना। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ है ये वाली कोस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई पाई बाय टू। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई टू द पावर आई पाई बाय टू, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर लॉग और ई साथ में हो, है ना, या फिर आप ऐसा समझो कि अगर लॉग लॉग ई टू द पावर एक्स हो तो इसका मतलब जाता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लॉग और ई जो है आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं, मतलब क्रॉस कर देते हैं, जिसमें एक वैल्यू आती है एक्स विच इज़ इक्वल टू अ रेशो, ठीक। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, आई पाई बाय टू, ठीक। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन, साइन एक आई तो पहले से ही ये वाला, तो ये वाला आई आ गया, और ये लॉग और ई मिल करके क्या हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा, एक तरह से क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू आई पाई बाय टू,
जो e की पावर में था, जैसे कि यहाँ पर है log e टू द पावर x है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x, तो इस तरह से हो गया। अब i और i क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ये तो पता होगा ना, आई की वैल्यू क्या होती है, रूट -1 होती है, -1। और अगर हम दोनों की तरफ आई स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो हम अगर ये दोनों, ये वाला आई और ये वाला आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बनेगा, विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो जाएगा साइन, साइन इन द ब्रैकेट -π/2, ठीक, क्योंकि ये जो π/2 है वो मल्टीप्लिकेशन में, उस तरह से ब्रैकेट लगा लो तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा, है ना। तो साइन क्या आ गया, -π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगी, वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई को आप सॉल्व करना है, और इसका जो है आपको रियल पार्ट क्या बताना है, आपको रियल पार्ट बताना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ले लेते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, ये हमारे पास है। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि कोस, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसमें थोड़ा ये जो है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस टू थीटा, ये 1 किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो यह 2 इस तरह से आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपका रह जाएगा -sin² थीटा, ठीक। अब ये जो साइन के आगे माइनस आया हुआ है, इसको हटाने के लिए हम इसको पलट के लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा अगर आप लिख देंगे तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म कैसे होगा वो भी सुन लो, जैसे हम इसमें इसको पलट के कैसे लिख पाए, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉस के आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हमने मान लिया, तो एक माइनस हमने बाहर ले लिया, ठीक है ना। तो उस माइनस जो हमने बाहर लिया है उस माइनस ने साइन वाले माइनस को कैंसिल कर दिया, और ये हमने पलट के इस तरह से यहाँ पे लिख दिया 1 - cos² थीटा। अभी क्या हो गया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये थीटा है, जीरो ना लगे। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है एक्स प्लस आई वाई किसका काम कर रहा है, ये एक तरह से थीटा का काम कर रहा है, तो हम इस पूरी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं 1 - cos²
एक्स प्लस आई वाई अपॉन टू, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक। ये इस तरह से है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉस टू थीटा का है ना, या तो आप कॉस, ये जो टू है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलें। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे खोल लेते हैं इसका फॉर्मूला। या एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आया है, वन माइनस कॉस टू एक्स एक्स, काम करते हैं पेन का जो कलर है वो थोड़ा, चलिए ये ठीक है। तो क्या है, वन माइनस कॉस टू एक्स प्लस आई वाई। देखो मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाता हूँ है ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो वीडियो है उसको फॉरवर्ड की भी कर सकते हैं, स्पीड उसकी बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आदत थोड़ी स्लो लेकर के चलने की है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, वन माइनस ये, जैसे ये फॉर्मूला है इसको हम खोलेंगे, और टू को भी आप अंदर ले सकते हैं है ना, टू एक्स हो जाएगा प्लस टू आई वाई हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से खोल रहे हैं, कॉस, क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस ए, ए की जगह क्या है टू एक्स, कॉस ए कॉस बी, कॉस बी की जगह क्या आ गया आपका टू आई वाई, टू आई वाई, ठीक। माइनस माइनस साइन ए, ए की जगह क्या है टू एक्स, इसको ऐसे लिख लो साइन, यहाँ पे ले लेते हैं साइन टू एक्स और साइन बी, साइन बी की जगह, बी की जगह क्या आ रहा है टू आई वाई, टू आई वाई, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला खोल लिया, और अपॉन में क्या है इसको आप ऐसे लिख लो, वन अपॉन टू को जो है हम यहाँ लिख लेते हैं वन अपॉन टू, ठीक। ये जो टू है इसको हमने इस तरह से ले लिया। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली मिलेगा वन अपॉन टू ब्रैकेट वन, तो एज इट इज़ रहा माइनस। अब देखो कॉस टू एक्स, हमने भी एक क्वेश्चन किया था लास्ट, उसमें हमने बताया था कि अगर कॉस टू आई वाई हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक टू वाई लिख सकते हैं इसको, ठीक। क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस, इसी तरह से साइन आई टू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई टू वाई को हम लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक टू वाई, और वो वाला साइन जो है इसमें आगे आ जाएगा, तो हम आई को पहले लगा लेते हैं, ठीक। और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन टू एक्स और साइन हाइपरबोलिक टू वाई, ठीक। ये आपका बन गया। अब यहाँ से अगर हमसे इसने क्या पूछा था, हमसे इसने पूछा था कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, ठीक है ना, किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई का रियल पार्ट क्या होगा। ओ ये ब्लिंक हो गया, चलो। तो लास्ट में हमारे पास जो आया था ठीक है ना, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या आया था, उसको हम रियल और इमेजिनरी दोनों में अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो एक तो था वन अपॉन टू, ठीक,
अगर हम रियल पार्ट की बात करें तो आएगा 1 माइनस cos 2x और cos हाइपरबॉलिक 2y, ये आपका क्या हो जाएगा रियल पार्ट, और आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और 1/2 क्योंकि दोनों के साथ है इसलिए मैं अंदर अगर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से आपको मिलेगा। और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा आपका वो आएगा 1/2 sin 2x और sin हाइपरबोलिक 2y, ठीक। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, रियल पार्ट, अगर रियल पार्ट पूछा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या है, 1/2 1 माइनस cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है ये 1/2 1 माइनस cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है ना, यही हमारा आंसर होगा। अगर इमेजिनरी पूछ रहा होता तो इमेजिनरी का इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना, केवल रियल का ही दिया हुआ है, तो उसमें 1 माइनस नहीं आता है ना, ये जो 1 था वो केवल रियल पार्ट के साथ आता, इमेजिनरी के साथ नहीं आता, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, है ना, और मेरा ख्याल है कि 5 क्वेश्चन में आपको कम से कम 50 चीज़ें तो पता चली जाएंगी और चल भी गई होंगी, और इसी तरह से हम यहाँ पर फिलहाल कर रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या करना है आपको, हमें दिया हुआ है क्या, वन क्वेश्चन देखो, पहले ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, इसने हमें 1 प्लस i y की पावर n = 1 माइनस i y की पावर n दिया हुआ है। बस ने पूछा है कि n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है जो कि पॉजिटिव हो वो क्या हो सकती है, ठीक। तो चलो देखते हैं क्या हो सकती है वैल्यू इसकी। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने हमें दिया है 1 प्लस i की पावर n, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं है, है ना, बस लॉजिक पता होना चाहिए। अगर लॉजिक पता चल गया तो ये समझ के चलो कि आपका एग्ज़ाम कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर इसके अबव में ला रहे हैं, इसको इनटू, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये इसमें इनटू में 1 है यहाँ पर, तो इसको आप जब नीचे इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये कैसे हो जाएगा 1 प्लस i की पावर n अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस i की पावर n, और इज इक्वल टू में क्या आ गया, 1 आ गया। और जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो जैसे ऊपर भी n पावर है नीचे भी n पावर है, तो हम इसको होल पावर n लिख सकते हैं, है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i की होल पावर n लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, चल ही रहा है ऐसे। अब यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी आई माइनस वन जैसे हैं यहाँ पर, ठीक, तो ऊपर भी और नीचे भी आई माइनस वन की गुणा कर देंगे ऊपर और आई माइनस वन की गुणा कर देंगे नीचे, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर देखो सॉरी मतलब आई प्लस वन की, क्योंकि हमें नीचे तो ए स्क्वायर, देखो हमेशा ध्यान रखना नीचे हमें क्या है फॉर्मूला बनाना होता है, अगर कभी भी हम इस तरह से कर रहे हैं तो नीचे की जो वैल्यू है उसको हमें एक नंबर मिलाना होगा, हो सकता है वो 1 हो जाए 2 हो जाए, तो हमें नंबर मिलाना होगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू तभी हो सकती है जब आई का स्क्वायर हो जाए, और आई का स्क्वायर तब होगा जब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर ए माइनस बी तो है, ए प्लस बी और चाहिए, तो ए प्लस बी यानी कि हमें ऊपर वाले का दोनों में गुणा करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, यानी कि नीचे जो है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी कभी आए आपके सामने आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब 1 प्लस i का ऊपर और 1 प्लस i का नीचे करेंगे तो ऊपर तो 1 प्लस i का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसको आप डायरेक्ट खोल लो, क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर
ये आई स्क्वायर हो गया प्लस टू आई, ठीक। और अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये किसके बराबर है, वन के बराबर है। अब यहाँ पर जब ये वन स्क्वायर तो वन ही रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने बताई थी क्या होती है, वन होती है, क्योंकि आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है रूट माइनस वन। तो अगर दोनों तरफ की हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि इस वजह से आपको ये याद हो जाए और आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सको। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो जब ये वन और ये माइनस वन होगा तो दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, टू आई बचेगा, ठीक। क्या बचेगा यहाँ पर, टू आई। अब नीचे देखो यहाँ पर क्या है, आई स्क्वायर, और यहाँ पर आई स्क्वायर अगेन सॉरी वन स्क्वायर है और यहाँ पर आई स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, माइनस वन बनेगा। माइनस वन इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो वन और वन क्या नीचे बच जाएगा, टू बच जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। और देखो ध्यान रखना इसके ऊपर पूरी जो पावर है वो क्या है, एन है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट है, इसको मोड मत समझ लेना, ये ब्रैकेट है, ठीक। अब देखो यहाँ से ये वाले टू से ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जा, आई की पावर एन इज इक्वल टू वन बचा हुआ है। अब हो सकता है सॉल्यूशन में आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दे दिया हो, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो मैंने आपको बताई है कि पहली बात तो ये कि नीचे हमेशा हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, और ताकि वो नीचे जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर ख़त्म हो जाए, और इमेजिनरी तभी ख़त्म होगा जब आई की स्क्वायर में वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आता है। अब सवाल ये है कि आई के ऊपर ऐसी क्या वैल्यू, क्या पावर लगाएं कि वन आ जाए, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर हम आई के ऊपर, ये मैं बताऊंगा अगर कि ऐसा होता क्यों है, आई के ऊपर अगर आप फोर पावर लगा देंगे तो ये वन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एन इज इक्वल टू फोर आपका आंसर होगा। देखो ये तो आपकी बात होगी कि आंसर की। अब सवाल ये आता है, ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आई की फोर यानी कि फोर पावर पर ही वन क्यों बनेगा। देखो ये सीधी सी बात है, आई स्क्वायर पर क्या बन रहा है, माइनस वन बन रहा है। अब अगर मैं इधर क्या कर दूँ, आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर दिया, आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई, और यहाँ मतलब यहाँ पर भी इंटू कर दिया क्या, माइनस वन। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने भाई, यहाँ पर आई स्क्वायर रखो या माइनस वन रखो, क्योंकि आई स्क्वायर तो वन ही होता है ना, आई स्क्वायर तो माइनस वन होता है ना। तो आई स्क्वायर और आई स्क्वायर क्या हो जाएगी, आई की पावर फोर, और माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास आ रहा है क्या, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है ना, इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, तो फिर से इसका स्क्वायर कर दो। जब फिर से स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आई की पावर फोर हो जाएगी, और इधर से अब माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के ये भी आप याद रख सकते हो कि आई की पावर फोर इज इक्वल टू वन रहेगा, ठीक। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको हो सकता है पाँच से ज़्यादा मिले, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, इसलिए क्वेश्चन कम ही लिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिले, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।